हेलो व्यूअर्स, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अबाउट एक्यूट डायरिया, तो अभी लास्ट की जो दो वीडियोस हैं उसमें मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, अभी रिमेनिंग रहता है हमारा अबाउट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट डायरिया। तो मैनेजमेंट की बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिहाइड्रेशन हम चेक कैसे करेंगे, कि डिहाइड्रेशन जो है सीवियर है अकॉर्डिंग टू फूड लॉस। जैसे मैंने साइन एंड सिम्टम आपको बताया था, उनसे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने बताई थी सीरम इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, उनसे भी आप पता लगा सकते हैं। लेकिन फ्लूड लॉस जनरली कितना हो रहा है उस हिसाब से आप क्या किस तरीके से आप अंदाजा लगाएंगे। तो उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है, अगर लेस देन 50 ml पर डे लॉस है, ठीक है, तो इट मीन्स उसको हम डिहाइड्रेशन में काउंट नहीं करेंगे। और अगर ये लॉस 50 to 100 ml पर डे है तो मीन्स माइल्ड डिहाइड्रेशन हम उसको बोलेंगे, और ग्रेटर देन 100 ml पर डे है तो उसको हम सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये तो था अबाउट कितना आपका स्टूल के थ्रू फ्लूड का लॉस हो रहा है, उससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो, और ये हमें कैसे अंदाजा लगेगा, ये हमें जो फ्रीक्वेंसी जब पेशेंट बताता है तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं बात करूँगी अबाउट मैनेजमेंट ऑफ फ्लूड। तो जैसे कि देखो, पीडियाट्रिक में डायरिया की बात है तो यहाँ पे सबसे मेन ध्यान रखा जाएगा इनकी डोज के ऊपर। ठीक है, ट्रीटमेंट वही रहता है। अब अगर मैं एडल्ट की बात करूँगी तो इसमें आपको बहुत ही कॉमन पता है, अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो हम एंटीबायोटिक ऐड कर देंगे, प्लस जो मेन जो हमारा थेरेपी रहेगी वो रहेगी हमारी रिहाइड्रेशन थेरेपी, मतलब जो सेलाइन थेरेपी रहती है वो हमारी मेन रहेगी। ठीक है, डेक्सट्रोज वगैरह ऐड करेंगे हम फॉर एनर्जी पर्पस, और इन्फेक्शन के लिए हम उसमें एंटीबायोटिक ऐड करेंगे, ये चीज़ हमारी रहती है। लेकिन वहीं पे अगर बच्चों की बात है तो बच्चों में क्या होता है कि डोज और पर डे के हिसाब से कितना जाना चाहिए वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। तो इसकी जो मैनेजमेंट होती है वो तीन कैटेगराइज में बताया गया है, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। प्लान ए किसमें, प्लान ए बताया गया है माइल्ड डिहाइड्रेशन के लिए। ठीक है, जो नॉर्मली जैसे बताया गया ना मैं, ग्रेटर देन 3 episodes इज डायरिया है ना, तो अगर मान लो ये माइल्ड है, मान लो इस टाइम पे पेशेंट जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा बार स्टूल के लिए तो कर जा रहा है, लेकिन पेशेंट जो है नॉर्मली फीडिंग कर रहा है अच्छे से अपना ओरली सब कुछ ले रहा है, तो हम उसको प्लान ए के अंदर रखेंगे। उसमें हम क्या बताएंगे, उसके अंदर क्या होता है कि जनरली जो पेशेंट के जो गार्जियन होते हैं उनको गाइडलाइन दी जाती है कि आपको पर डे के हिसाब से कितना बेबी को फीड कराना है। ठीक है, बेबी को फीड कराना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है, या फिर पर जैसे मेन यहाँ पे ORS रहता है। ठीक है, तो ORS की कंसंट्रेशन बताई जाती है पेशेंट को कि आपको किस तरीके से ORS कितने पानी में मिला के आपको पिलाना है, और पर डे आप कितना पानी बेबी को पिलाएंगे घर पे। ठीक है, तो ये सब प्लान ए के अंदर आता है। तो जनरली ये बताया गया है कि प्लान ए के अंदर क्या होता है कि मान लो अगर 2 साल से कम का बच्चा है, तो 2 साल के कम के बच्चे को हम क्या बताते हैं कि जनरली ऐसे बच्चे को ऑलमोस्ट 500 ml पर डे के हिसाब से आपको ORS देना है, जिसको डायरिया की प्रॉब्लम है, मीन्स लगभग आधा लीटर पानी आपको ORS उसको पिलाना चाहिए ताकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो। वही अगर बात करेंगे 2 से 10 साल तक के बच्चे को, तो इसमें ऑलमोस्ट पर डे के हिसाब से आपको 1 liter यानी कि 1000 ml ORS जो है वो देना चाहिए। और अगर 10 साल से ऊपर के बच्चे की अगर हम बात करेंगे अप टू 16, तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 2 liter ORS पर डे के हिसाब से आपको देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था अबाउट प्लान ए। तो इसके अलावा पेशेंट के जो गार्जियन है उनको गाइड किया जाता है कि इससे अलग मान लो आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन लगती है, मान लो आपको बताया जाता है, जैसे मैंने लास्ट उसमें बताया कि मान लो आपको लगता है कि एब्डोमन डिस्टेंडेड हो रहा है, या फिर बेबी फीड करना बंद कर रहा है, या फिर इससे की कोई भी दिक्कत होती है, तो वो हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए आए। ठीक है, नेक्स्ट है प्लान बी। प्लान बी के अंदर क्या होता है कि इसमें जैसे मैंने बताया था, प्लान ए के अंदर बेबी की बाकी जितनी भी एक्टिविटी होती है वो नॉर्मल होती है, खाली स्टूल की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिविटी थोड़ा डिफर करने लग जाती है। ठीक है, और मान लो हो सकता है बेबी फीड तो कर रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से ना कर रहा हो, तो इसमें क्या होगा कि आपका ORS के साथ साथ आपकी जो कुछ हाइड्रेशन थेरेपी जो होती है, मेंटेनेंस फ्लूड वगैरह, इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो इसकी में जैसे जनरली बताया गया है कि डेली रिक्वायरमेंट जो है वो पेशेंट की, कितने एज के पेशेंट की ऑलमोस्ट कितनी होती है, तो उसमें क्राइटेरिया बताया गया है कि अप टू 10 kg, 10 किलो तक के बच्चे की जो डेली रिक्वायरमेंट की जो फ्लूड है वो 100 ml पर kg है।
ठीक है, यानी कि 100 ml पर kg फॉर 10 kg बच्चे के लिए कितना हो गया, ऑलमोस्ट 1000। ठीक है, तो इसी तरीके से 10 to 20 kg की अगर बच्चे की हम बात करेंगे तो उसकी डेली रिक्वायरमेंट होगी 50 kg, 50 ml पर kg। ठीक है, और अगर 20 से ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी 20 ml पर kg। मतलब मैंने क्या बताया, 10 kg के बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट होगी 100 ml पर kg, 10 to 20 के लिए होगी कितना 50 ml पर kg, और ग्रेटर देन 20 के लिए होगी 20 ml पर kg। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है मेंटेनेंस फ्लूड निकालने का। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि ORS के साथ साथ हम बेबी को इसमें ORS तो मेन, जो भी डायरिया रहेगा उसमें ORS तो मेन रहेगा ही रहेगा। ORS के अंदर एक बेसिक फैक्टर ये दिया जाता है कि जब ORS को जब बनाया जाता है तो हम मेनली ORS क्यों देते हैं, ECF को कवर अप करने के लिए, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूड होता है उसको कवर अप करने के लिए, है ना। तो ये ध्यान दिया जाता है कि जो ORS की ऑस्मोलैरिटी होती है प्लस जो हमारी सर्कुलेटरी वॉल्यूम यानी कि ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो सेम रहे, तभी वो इफेक्ट करता है। यानी कि 1:1 अगर ऑस्मोलैरिटी उसकी रहती है तभी वो इफेक्ट करता है, नहीं तो इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि प्लान बी के अंदर क्या रहेगा, मेंटेनेंस फ्लूड हम इससे निकालने के बावजूद ORS जो होता है वो 70 ml पर kg के हिसाब से हम बेबी को ORS देते हैं, इसमें 75 ml पर kg के हिसाब से। ठीक है, अगर मान लो पेशेंट ओरली नहीं ले पा रहा है, अगर पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है ओरली नहीं ले पा रहा है तो उस केस में हम पेशेंट को NG के थ्रू भी दे सकते हैं, जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होती है उसके थ्रू भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर मान लो जो भी आप दे रहे हैं उसका इफेक्ट आपको विद इन 4 hours आना चाहिए। अगर मान लो जो भी थेरेपी आप बच्चे को दे रहे हैं उसके बावजूद 4 घंटे के बाद भी अगर बच्चा सेम सिचुएशन में है या फिर पेशेंट की जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा डिटोलेट होती जा रही है तो हम उसको प्लान सी के अंदर रखेंगे। प्लान सी के अंदर क्या है, प्लान सी के अंदर हम मेनली IV फ्लूड स्टार्ट करेंगे। अगर बच्चा बच्चे को आईवी नहीं जा रहा है, ठीक है, नहीं ले पा रहा है, मान लो आपको पल्स जो है वो वीक मिल रही है, नहीं मिल रही है पल्स, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या, वेन नहीं मिल रही है सॉरी, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप बच्चे को NG के थ्रू भी दे सकते हैं। तो इनकी डोज थोड़ा डिफर हो जाएंगी, NG की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे आप 20 ml पर kg के हिसाब से पर आवर के हिसाब से देंगे, 20 ml पर kg पर आवर के हिसाब से, और IV की जो डोज रहेगी वो रहेगी 100 ml पर kg के हिसाब से। ठीक है, तो 100 ml पर kg जो होता है वो स्टार्टिंग में क्या रहेगा, अगर मान लो 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसमें पहले 6 घंटे के अंदर जो हाफ डोज है वो चली जानी चाहिए, और जो 1 साल से अगर बड़ा बच्चा है, 1 साल से ऊपर का बच्चा है तो वो जो भी कैलकुलेशन हमारी आएगी, जैसे मैंने जो बताया कि IV 100 ml पर kg के हिसाब से जाएगा, तो वो 1 साल से अगर बड़ा बच्चा है तो 3 साल के अंदर 3 घंटे के अंदर वो डोज चली जानी चाहिए, और 1 साल से छोटा है तो 6 घंटे के अंदर वो डोज चली जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैंने बताया आपको कि NG के थ्रू अगर मान लो आप इंसर्ट करते हैं 20 ml पर kg पर आवर के हिसाब से, तो आपको हर आधे घंटे के अंदर या फिर 15 से 20 मिनट के अंदर उसको असेस करते रहना है, ठीक है, कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखते रहने हैं। इसके अलावा जैसे जो फ्लूड जो रहेगा वो मेनली कौन सा रहेगा, फ्लूड जो होगा वो मतलब मेन जो यूज़ किया जाता है वो या तो रिंगर लैक्टेट यूज़ किया जाता है या फिर 5% डेक्सट्रोज यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मान लो अगर ये नहीं होते हैं ऑन द स्पॉट तो नॉर्मल सेलाइन या फिर प्लेन रिंगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अकेला मतलब प्लेन लैक्टेट वगैरह या फिर प्लेन डेक्सट्रोज इसके अंदर जनरली बेनिफिशियल नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को अगर मान लो बेबी फीड कर रहा है, बेबी शक कर रहा है, तो उसको जनरली अवॉइड नहीं करना चाहिए, बेबी को फीडिंग करानी चाहिए। अगर वो एबल है फीड करने के लिए तो बेबी को फीड करने के लिए बोलना चाहिए, ठीक है, कराना चाहिए। भी अगर मान लो अडल्ट है तो बीच बीच में अगर उसको ओरली पानी वगैरह देते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ जो मैनेजमेंट थी वो ये थी। इसके अलावा मान लो अगर आपको जैसे बाकी जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें अगर आपको बाकी जितने भी सिम्टम्स लगते हैं, मान लो फीवर है, ठीक है, या फिर और किसी कोई भी इन्फेक्शन की आपको दिक्कत लग रही है कि इन्फेक्शन की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एंटीबायोटिक उसमें अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब था अबाउट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट डायरिया।
इसके अलावा मेन जो ध्यान दिया जाता है जैसे कॉम्प्लिकेशंस का, तो कॉम्प्लिकेशन जैसे इसे मेन मैंने बताया एब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह, पैरालिटिक ईवीएस या फिर एसिडोसिस वगैरह अगर होती है तो उसको आप फर्दर उसी के तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। मान लो पैरालिटिक ईवीएस हुई है तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आपको न्यूस्टैग्मिन वगैरह दे के उसको क्लियर आउट करें, उसको आप फर्दर एक प्रॉपर तरीके से, आप ऐसा नहीं है कि फ्लूड आप देते रहें, एब्डोमिनल डिस्टेंडेड हो रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर मान लो वोमिटिंग पेशेंट को ज़्यादा हो रही है तो आप पेशेंट को स्टैट ओंडम का जो इंजेक्शन आता है ओंडम सेट्रॉन 0.12 mg, ठीक है, पर केजी के हिसाब से आप वो पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट डायरिया। थैंक यू सो मच।